हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। हेलो अभी, वेलकम टू द सेशन। आज हम करने वाले हैं बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन की एनसीईआरटी हाइलाइट्स आज हम करने वाले हैं। इसका जो पहला चैप्टर था बायोटेक का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, और आज हम करने वाले हैं बायोटेक का सेकंड चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस वाला। स्टार्ट करें। यस, स्टार्ट करें फटाफट, मुझे एक बार बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बिकॉज ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, है ना, ओनली 10 पेजेस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी आपको पढ़ना होता है, कभी भी आपको इंट्रोडक्शन मिस नहीं करना है, इंट्रोडक्शन भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो वेलकम निष्ठा, वेलकम टू द सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है बायोटेक। बायोटेक की डेफिनेशन आप सभी को पता है, हमने पहले चैप्टर में डिस्कस की थी। क्या होती है बायोटेक की डेफिनेशन? जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं अपने, ह्यूमंस क्या करते हैं, माइक्रोब्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे प्रोसेसेस बनाते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, है ना। तो आज हम वही चीज़ देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि हमने बायोटेक को यूज़ करके बनाई है और जो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है, ठीक है। वही हम बात करने वाले हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है, मतलब उसकी क्या एप्लीकेशंस है, मतलब वो किस तरीके से हमारे यूज़ में आ रही है ना। ऐसे हमने कौन से प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कौन से ऐसी प्रोसेसेस बनाई है जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो रही है बायोटेक के द्वारा, ठीक है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है बायोटेक, एज यू हैव लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, है ना। क्या होता है इसके अंदर, हम क्या करते हैं बायोटेक के अंदर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोटेक के अंदर हम करते क्या है। यस, इट डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग GMOs। बात की थी ना हमने, GMOs का हम यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, इन सब का यूज़ हम करते हैं। इसका क्या मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं इनके जीन्स के साथ, इनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बताया था ना, हम क्या करते हैं उसमें से कोई जीन निकाल देंगे और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इंसर्ट कर देंगे, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना, उसकी जगह कोई फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये हम करते हैं बायोटेक के अंदर। तो कौन कौन सी एप्लीकेशन आती है बायोटेक की? हम थेरेपेटिक्स में यूज़ करते हैं बायोटेक को, डायग्नोस्टिक्स में यूज़ करते हैं, है ना। हम GMCs बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स भी हम बना सकते हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। प्रोसेस्ड फूड में इसकी एप्लीकेशन है, बायो रेमिडिएशन में इसकी एप्लीकेशन है, वेस्ट ट्रीटमेंट, है ना, जो भी घर से वेस्ट निकल। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक, तो कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक के? तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। हम क्या कर सकते हैं बायोटेक को यूज़ करके, हम बेस्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम्स ही होता है, सभी को पता है ना कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो कि हमारी रिएक्शन को फास्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोब, ठीक है। तो पहला क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट हम निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। और क्या कर सकते हैं, हम ऑप्टिमल कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, हमें ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो कैटलिस्ट को हम इंजीनियर कर पाएँ, है ना। और फिर बाद में क्या करते हैं, लास्ट में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना। प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्यूरिफिकेशन आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, उसको क्या करना, उसकी प्यूरिफिकेशन करना। सभी को क्लियर है इंट्रोडक्शन? सभी को क्लियर है इंट्रोडक्शन? Let us now learn how human beings have used biotech to improve quality of human life, especially in the field of food production and health.
तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली देखेंगे बायोटेक का यूज़ कैसे होता है फूड प्रोडक्शन में और हेल्थ में। स्टार्ट करें, बताओ इंट्रोडक्शन सभी को क्लियर है, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? चलो तो सबसे पहले हम फूड से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम तीन प्रोसेसेस देख लेते हैं, तीन ऐसे प्रोसेसेस देख लेते हैं जिसके थ्रू हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो एग्रोकेमिकल बेस्ड में हम किसका यूज़ करते हैं? वी विल यूज़ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर? पेस्टिसाइड्स, है ना। और क्या इंसेक्ट यूज़ कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इन सब का यूज़ करते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, वी कैन यूज़ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, बट पोल्यूशन ज़्यादा है इसलिए इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है, सेकेंड है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसकी वैसे तो सही है, ऑर्गेनिक हम चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं ना, आजकल कितना चला हुआ है ऑर्गेनिक का कल्चर, हम इसकी चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है और कॉस्टिंग ज़्यादा आती है इसकी, इसीलिए हम किस पे मूव कर चुके हैं, हम GMOs दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स या ऑर्गेनिजम्स पे हम मूव कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम GMOs भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। चलो तो सबसे पहले आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन दिया किसने था? आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में, खैर वो तो हट चुका है हमारे सिलेबस से, बट पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने दिया था? यस, अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं, नॉर्मन ने दिया था, ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कौन है फादर इसके? MS स्वामीनाथन। पता होनी चाहिए चीज़ें, रिलेट करा करो वैसे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड नॉर्मन और इंडिया में MS स्वामीनाथन। चलो तो ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा क्या था? वेलकम हर्ष, आई एम गुड। ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा क्या था? इसने जो फूड प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल कर दिया था। मान लो पहले फूड की सप्लाई एक्स थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद 3x हो गई थी। ठीक है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या था? तब भी 3x होने के बाद भी, ट्रिपल होने के बाद भी डिसएडवांटेज क्या था कि ह्यूमन की पॉपुलेशन को वो फीड नहीं कर पा रहा था, है ना। ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है खासकर इंडिया में, है ना, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड नहीं मिल पा रहा था ट्रिपल करने के बाद भी। ठीक है, अब देखो यील्ड कैसे इंक्रीज हुई होगी। यस, इंक्रीज यील्ड हैव पार्शली बीन ड्यू टू यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, है ना। यील्ड कैसे इंक्रीज करी? क्रॉप वेराइटीज़ को इम्प्रूव करके, बट मेनली ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। बट जो ये एग्रोकेमिकल था ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ये पोल्यूशन भी ज़्यादा कर रहा था। यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज हम लिखेंगे, इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रोकेमिकल बेस्ड। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, कहाँ गया? यस, देखो एग्रोकेमिकल्स की हम बात कर रहे हैं। देखो मैंने आपको पीछे बताया भी था, देखो एग्रोकेमिकल्स की क्या डिसएडवांटेज थी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था और एक्सपेंसिव भी था। इसके अंदर हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे, तो फार्मर्स ने इसको यूज़ तो किया, प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक आई, बट इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इसीलिए अब अगली टेक्निक पे हम जाएंगे, दैट विल बी अवर GMOs। क्वेश्चंस कल होंगे हर्ष, जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तभी तो क्वेश्चंस कराऊंगी ना। मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब लाइव डाला हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है मैंने, दोनों के मैं एक साथ ही क्वेश्चंस कराऊंगी कल, फुल बायोटेक के। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं, ये सारे डाउट्स लास्ट में पूछना। चलो, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू इम्प्रूव सफिशिएंटली द फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, अनदर टेक्निक कॉल्ड टिश्यू कल्चर। कौन सी टेक्निक आई भाई? टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लांट, एक्सप्लांट के हेल्प से हम पूरा प्लांट नया बना सकते हैं। अब एक्सप्लांट क्या होता है?
एक्सप्लांट की डेफिनेशन देख लो, एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक्सप्लांट क्या होता है? कोई भी पार्ट प्लांट का, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, कोई भी पार्ट अगर हम प्लांट का लेंगे, छोटा सा पार्ट हम लेंगे और उससे हम पूरा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, स्पेशली प्लांट टिश्यू कल्चर, PTC, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी प्लांट का छोटा सा पार्ट ले सकते हैं, कोई रूट ले लिया, कोई स्टेम ले लिया, और उससे हम क्या कर सकते हैं? पूरा एक नया प्लांट बना सकते हैं। उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट बोलेंगे, ठीक है। स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। स्टेराइल कंडीशन मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स, है ना। कोई भी माइक्रोब नहीं होना चाहिए जब आप इसको लैब में करोगे, फ्री ऑफ माइक्रोब होने चाहिए। और आपको क्या करना पड़ता है? न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करना पड़ता है। सोइल यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सोइल आप क्या यूज़ करोगे लैब के अंदर? यू विल यूज न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है। ये हम लैब के अंदर कर रहे हैं, लैब के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी है एक्स प्लांट की, छोटे से टुकड़े की पूरा एक नया प्लांट बनाने की, इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। तो इस कैपेसिटी को कि वो पूरा प्लांट बना सकता है, कोई भी एक्स प्लांट पूरा प्लांट बना सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। सभी को क्लियर हुआ टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी एक्सप्लांट, एक्सप्लांट मतलब कोई भी छोटा सा टुकड़ा प्लांट का, चाहे रूट हो स्टेम हो, उससे हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। उस छोटे से टुकड़े को हम एक्सप्लांट बोलते हैं। और इस पोटेंसी को कि एक छोटा सा टुकड़ा एक पूरा प्लांट बना सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। जब आप इसको लैब में करते हो, आप सोयल यूज़ नहीं करते हो, आप न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करते हो। न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब ऐसा मीडिया जिसके अंदर सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। और आप इसके अंदर स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रोबियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे हाई क्लासेस में। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, देख लो। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। क्या क्या होना चाहिए न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर? हम सोयल नहीं दे रहे हैं, है ना, बट हमें वो सारे कंपोनेंट्स देने हैं जो कि सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या देंगे? हम कार्बन सोर्स देंगे। कार्बन सोर्स के लिए हम सुक्रोज दे सकते हैं। हम और क्या देंगे? हम इनऑर्गेनिक सोल्ट्स देंगे, विटामिन्स देंगे, अमाइनो एसिड्स देंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स देंगे, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है बताओ मुझे फटाफट? यस, ऑक्सिन क्या करता है? रूट की फॉर्मेशन करवाता है, शूट की? यस, ऑक्सिन करवाता है रूट की फॉर्मेशन, है ना। रूट की ग्रोथ करवाने में मदद करेगा कौन? ऑक्सिन। और साइटोकाइनिन किस में मदद करता है? आगे स्टेम की ग्रोथ में, है ना। तो हमें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी देने पड़ते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स आप दोगे जो कि सोइल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो? बहुत सारे प्लांट के प्रोडक्शन कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, है ना, बहुत ही कम टाइम में। ये इसकी क्या होगी? एप्लीकेशन होगी, ठीक है। इस मेथड को जिसके अंदर हम बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं, एक्स प्लांट्स को यूज़ करके, किसी भी स्टेम को, रूट को यूज़ करके हम पूरा एक नया प्लांट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं लैब के अंदर, बाय गिविंग न्यूट्रिएंट मीडिया, स्टेराइल कंडीशंस और यूजिंग एक्स प्लांट। सभी को क्लियर है? इसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब देखो, हमने एक रूट लिया, मान लो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया एक्स प्लांट, मान लो मैंने रूट लिया, दिस इज माई एक्स प्लांट, ठीक है। और मैंने एक्स प्लांट के रूप में क्या ले लिया? चलो स्टेम ले लिया, स्टेम ले लेते हैं चलो। और मैंने क्या करा? इसी एक्स प्लांट, एक सिंगल एक्स प्लांट को यूज़ करके बहुत सारे प्लांट्स बनाए आगे जाके, है ना। प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री, प्लांट फोर, मैंने फोर तरीके के प्लांट्स बनाए, है ना। अब मुझे बताओ, क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या फिर नॉन आइडेंटिकल होंगे? क्या लगता है, कौन बताएगा? ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या नॉन आइडेंटिकल होंगे? मैंने एक एक्सप्लांट लिया और उसी एक्सप्लांट से मैंने चार तरीके के प्लांट्स बनाए, प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री एंड प्लांट फोर। तो ये सारे कैसे होंगे? ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेन स्टेम है, एक्सप्लांट है, वो तो एक ही है ना। उसी एक्सप्लांट से मैंने चार तरीके के प्लांट बनाए, तो ये सारे कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होंगे, है ना, ठीक है। वेलकम अलीशा। तो देख लो, ये जो प्लांट्स होंगे सारे कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल प्लांट से, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स बोलते हैं। तो ये सारे क्या बन गए मेरे पास? प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री, प्लांट फोर, ये सब क्या है? ये है सोमा क्लोन्स, ठीक है। एक दूसरे के क्लोन है तो सोमा क्लोन्स, ठीक है।
अब देखो, मैंने इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे कि टमाटो, बनाना, एप्पल, इसी तरह से प्रोड्यूस किए गए हैं कॉमर्शियल स्केल पे। कॉमर्शियल स्केल मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा कॉमर्शली अवेलेबल करवाना हो, बहुत सारी पॉपुलेशन को फीड करना हो, तो इसी तरीके से टमाटो, बनाना, एप्पल बनाए गए हैं कॉमर्शियल स्केल पे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ क्या होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन वो टेक्निक है जिसके अंदर आप एक एक्सप्लांट को यूज़ करके, कोई भी रूट, स्टेमिक, छोटा सा प्लांट का टुकड़ा यूज़ करके आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। और ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सोमा क्लोन्स होंगे। आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी है लैब के अंदर, और आपको सोइल की जगह न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करना है। चलो आगे देखो, दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये हमने पहली एप्लीकेशन देख ली फूड के अंदर। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज़ रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिसीज प्लांट। आप क्या कर सकते हो, मान लो किसी प्लांट को, अगर किसी प्लांट को डिसीज हो चुकी है, ठीक है, तो आप हेल्दी प्लांट्स उससे रिकवर कर सकते हो। कैसे? मान लो कोई प्लांट है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से। इवन इफ अ प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद अ वायरस, कोई प्लांट है जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, तो उसका जो मेरिस्टेम होता है, सभी को पता है मेरिस्टेम, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइडिंग होता है, डिवाइडिंग सेल से मिलकर बना होता है, एपिकल होता है और एक्सिलरी होता है, ये वायरस से फ्री होते हैं। तो आप क्या करोगे, मान लो कोई प्लांट है उसको वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है, बट उसका जो मेरिस्टेम वाला पार्ट होता है, एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम, वो कैसा होता है? वो तो फ्री ऑफ वायरस होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरिस्टेम को निकाल लो, है ना, मेरिस्टेम को निकाल लो और उसको इन विट्रो मतलब लैब के अंदर उसको ग्रो करवा लो, है ना, ऐसे कर सकते हो ना। मान लो कोई प्लांट है उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, बट उसका जो एपिकल एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम होता है उसको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता, तो वो पार्ट निकाल लो और उसको लैब में ग्रो कर लो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, हेल्दी प्लांट्स को रिकवर कर सकते हो फ्रॉम द डिसीज्ड प्लांट। इसको किया गया है, किस पे किया गया है, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं फ्रूट्स, जैसे कि बनाना बनाया गया है, शुगर केन, पटैटो, ये सब बनाए गए हैं कॉमर्शियल स्केल पर। सभी को क्लियर हो गया सेकंड एप्लीकेशन? तो ये तो था टिश्यू कल्चर वाला, जिसके अंदर हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे थे, ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन, और जिसके अंदर हम रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम द डिसीज प्लांट हेल्दी प्लांट्स को, दैट इज़ योर सेकंड एप्लीकेशन। अभी हम फूड की कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की कर रहे हैं। आगे देखो, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैज बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लाज्म। साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया, है ना। जब उन्होंने प्रोटोप्लास्ट को निकाला दो वेराइटी से, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी वेराइटी प्लांट वन, ठीक है, और ये दूसरी वेराइटी है प्लांट टू, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों के क्या निकाल लिए, प्रोटोप्लास्ट निकाल लिए, इसका भी प्रोटोप्लास्ट निकाल लिए। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ है दोनों। साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट वन और प्लांट टू लिया, दोनों अलग अलग वेराइटीज़ का, और दोनों का प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, यस, सेल वॉल को हटा दो, क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और बाद में क्या किया, उन दोनों का क्या करवा दिया, फ्यूज़न करवा दिया। अब देखो, सेलेक्ट कैसे करोगे प्लांट वन और प्लांट टू को। मान लो आपको प्लांट वन में कोई अच्छी एक कैरेक्टर लगता है ना, और प्लांट टू का दूसरा कैरेक्टर अच्छा लगता है ना, तो ऐसे हमें सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। जो आपको जिस भी प्लांट का कैरेक्टर अच्छा लगता है उसी प्लांट को आप चूज़ करोगे। प्लांट वन का आपने एक कैरेक्टर चूज़ कर लिया, मतलब आपको मान लो इसका इसकी प्रोडक्टिविटी आपको लगा कि हाँ ये प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं। और प्लांट टू का आपको लगा, मान लो बनाना है ना, और आपकी उसको स्वीटनेस बहुत अच्छी लगी आपको प्लांट टू की, तो आप वो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर के बेसिस पे दोनों को सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, ठीक है। नेकेड प्रोटोप्लास्ट कर लिया दोनों का, प्लांट का डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले प्लांट ही आपको चूज़ करने हैं, दोनों अलग अलग वेराइटीज़ होने चाहिए। दोनों का क्या करवा दिया, दोनों का करवा दिया फ्यूज़न, प्लांट वन और प्लांट टू दोनों के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, अब हाइब्रिड बन गया, है ना, हाइब्रिड बन गया। और इस हाइब्रिड से एक नया प्लांट बना लो। अब देखो, इस प्लांट के अंदर जो नया प्लांट बना है हमारा हाइब्रिड, इसके पास इसके भी करैक्टर होंगे और इसके भी करैक्टर होंगे, तो फ़ायदा है ना, यस फायदा है ना, बताओ फायदा है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लांट वन का प्रोटोप्लास्ट लेना है, प्लांट टू का प्रोटोप्लास्ट लेना है, दोनों अलग अलग वेराइटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करोगे जिसके आपको करैक्टर्स अच्छे लगते हैं। दोनों का फ्यूज़न करवाओ, प्रोटोप्लास्ट का हाइब्रिड बना, उसको ग्रो करवाओ, गार्डन में न्यू प्लांट बना, तो इस प्लांट के अंदर
दोनों के करेक्टर होंगे, प्लांट वन के भी प्लांट टू के भी। इसी हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिड्स। अब फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो हमने क्या किया, दोनों वेराइटीज़ ली, उसके प्रोटोप्लास्ट को चूज़ किया, फ्यूज़ करवाया, हाइब्रिड बन गया हमारे पास। ठीक है, इस हाइब्रिड्स को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। और इस हाइब्रिड के पास दोनों प्लांट के करेक्टर हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सभी को क्लियर हुआ बताओ? यस नहीं? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को भी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस आता है सूरज, प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस आता है। ठीक है, बट प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता। चलो तो एक सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट ले लिया टमाटो का और पटैटो का। किस किस का देखा? देखो क्या दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आपने प्रोटोप्लास्ट लिया किस किस का, टमाटो का लिया, किसके साथ फ्यूज़ करवाया, पटैटो के, टमाटो और पटैटो दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवा लिया, ग्रो करवाया, नया हाइब्रिड बना, है ना। तो ये नया हाइब्रिड जो होगा उसके पास दोनों के करेक्टर होंगे, टमाटो के भी और पटैटो के भी, है ना। और इसको क्या बोला जाता है, इसको पोमेटो बोला जाता है। नाम का भी फ्यूजन करवा लिया, हैशटैग बना दिया, है ना, आजकल बनते हैं ना कपल के हैशटैग, वैसे ही इसका हैशटैग बना दिया, पटैटो और टमाटो का पोमेटो। ठीक है, एक तरफ प्रोटोप्लास्ट पटैटो का लिया और एक तरफ टमाटो का लिया, दोनों को फ्यूज करवा दिया, पोमेटो दोनों के करेक्टर से इसके पास। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डजेंट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स फॉर हिज कमर्शियल यूटिलाइजेशन। बट अनफॉर्चुनेटली जब इसको ग्रो करवाया गया तो देखा इसमें सारे करेक्टर्स नहीं आए, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसीलिए आजकल आपको नहीं देखने को मिलता है ना, मार्केट में जाओगे पोमेटो नाम का कोई चीज़ नहीं होता, बिकॉज ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया सभी को क्या करना होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में? ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन बी शोन सो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड? क्या हम जेनेटिक्स को यूज़ करके ऐसी कोई टेक्निक बना सकते हैं कि फार्मर्स को भी बेनिफिट मिले, उनका यील्ड इंक्रीज हो, है ना, और उनका जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज़ है वो भी कम हो जाए? बिल्कुल है ऐसी टेक्निक। कौन सी है? GMOs, है ना। वी कैन यूज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, एक तो ये मिनिमाइज़ करता है क्या, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स पे डिपेंडेंसी, है ना, और इन्वायरमेंट पे भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, पोल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। तो बेनिफिट्स क्या है GMOs के, मैंने आपको बताया था, देखो GMOs के बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो ये पोल्यूशन भी कम करता है ना, और ये एक्सपेंसिव भी कम पड़ता है, और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की डिपेंडेंसी को भी कम करता है GMOs। चलो स्टार्ट करें। तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जिसके जीन्स या फिर जेनेटिक मटेरियल के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, है ना, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, जिसके जीन्स हम अल्टर करते हैं, है ना, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया उसका निकाल के कोई भी, इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, फ़ायदे क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते क्यों हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं GMOs बना के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम ऐसी क्रॉप बना सकते हैं जो कि टॉलरेंट है टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि कोल्ड, ड्रोट, सोल्ट, हीट, है ना, ऐसे हम प्लांट बना सकते हैं जिनको इन सब से फ़र्क ना पड़े, जैसे कि कोल्ड का स्ट्रेस हो गया, सोल्ट का स्ट्रेस हो गया। ठीक है, ऐसे हम प्लांट्स बना सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं हम, ऐसे क्या कर सकते हैं रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट हम क्रॉप्स बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, मिनरल यूसेज एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं प्लांट की, है ना, प्लांट्स अच्छे से मिनरल यूसेज करें उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं GMOs को यूज़ करके। हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और किया भी गया है, गोल्डन राइस, जो हमारे नॉर्मल वाइट राइस होते थे उसके अंदर विटामिन ए बहुत कम होता था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस लोगों को हो रही थी काफ़ी, मतलब बच्चों में ज़्यादातर देखा जा रहा था। तो क्या किया गया, गोल्डन राइस के अंदर क्या डाल दिया गया, विटामिन ए डाल दिया गया, सॉरी वाइट राइस के अंदर, जो नॉर्मल राइस होते हैं हमारे घर के उसके अंदर क्या किया, विटामिन ए डाल दिया, ठीक है, मतलब ऐसा जीन डाल दिया जो कि विटामिन ए की प्रोडक्शन कर सकता है, और उसी राइस को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कोज नहीं करते, ठीक है, जो नॉर्मल वाइट राइस थे हमारे
वो नाइट ब्लाइंडनेस कोज कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, है ना, बच्चों में। तो ऐसा राइस बनाया गया जिसके अंदर क्या है, विटामिन ए है, इसी को हमने क्या बोला, गोल्डन राइस बोला। सभी को क्लियर हो गया? और भी हमारे जीएम को हम यूज़ कर सकते हैं, स्टार्चेज में, फ्यूल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है। चलो अगली एप्लीकेशन पर पढ़े, थर्ड एप्लीकेशन फटाफट बताओ मुझे। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन सा जीन लिया था विटामिन ए एनरिच राइस बनाने के लिए, जीन का भी नाम मैं बता देती हूँ आपको, किसी को पता है? यस, डैफोडिल प्लांट से जीन लिया था, कौन सा, बीटा कैरोटीन जीन लिया था फ्रॉम द प्लांट डैफोडिल, ठीक है। इस जीन को यूज़ करके विटामिन ए एनरिच राइस बनाया गया था, गोल्डन राइस, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे होस्ट क्या लिया होगा, क्या लगता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हमने प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स किया था, जब हम एज अ होस्ट प्लांट लेते हैं, हमें प्लांट बनाना है यहाँ पे, है ना, गोल्डन राइस, राइस इज अ क्रॉप प्लांट, है ना। जब हमें कोई भी प्लांट एज अ होस्ट हम लेते हैं तो हम कौन सा वैक्टर यूज़ करते हैं, कौन सा वैक्टर यूज़ करेंगे मुझे फटाफट बताओ यहाँ पे गोल्डन राइस के केस में, कौन बताएगा, कौन सा वैक्टर यूज़ करोगे आप यहाँ पे? मैंने आपको बताया था जब हम प्लांट को एज अ होस्ट लेते हैं तो हम यहाँ पे कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, या प्लाज्मिड बोल लो, कौन सा प्लाज्मिड लोगे यहाँ पे इस केस में? यू विल यूज टी आई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। लास्ट क्लास में बताया था मैंने जब हम बात कर रहे थे कि अब हम प्लांट को एज अ होस्ट लेते हैं तो वी विल यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का टी आई प्लाज्मिड, उसका जो टी डी एन ए है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, बीटा कैरोटीन डाल देंगे, ठीक है। चलो अगले एप्लीकेशन पढ़ते हैं बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस की। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है मतलब पेस्टिसाइड की जो अमाउंट है उसको कम करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बीटी टॉक्सिन जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, बीटी फॉर बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नॉट बायोटेक, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बिन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड हैज इम्प्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। हम क्या कर सकते हैं, इस टॉक्सिन को यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया से निकालेंगे इस टॉक्सिन को, है ना, और उसको प्लांट में डाल देंगे और प्लांट हमारा कैसा बन जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। हमने यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का यूज़ भी नहीं किया, हमने बीटी टॉक्सिन यूज़ किया बैक्टीरिया से और हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लिया। इसको यूज़ करके बहुत सारे बनाए गए हैं बीटी प्लांट्स, जैसे कि बीटी कॉटन बनाया गया है, ठीक है, बीटी कॉर्न बनाया गया है, बीटी राइस, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में आपको बीटी कॉटन ही करना है, सब में सेम ही एप्लीकेशन मतलब प्रोसेस चलता है, एक ही हम करेंगे बीटी कॉटन। चलो तो आपको क्या करना है, देखो मैंने बताया हमें क्या करना है, बीटी टॉक्सिन निकालना है कहाँ से, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से। तो हमारा जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस होता है बैक्टीरिया, ये कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करता है, इंसेक्ट को मार देता है। कौन से इंसेक्ट को, मेनली लेपिडोप्टेरन्स को, जिसको हम, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, टबैको बट वोम आता है और आर्मी वोम आता है, और किसको किल कर देता है ये, कोलियोप्टेरन्स को जिसके अंदर बीटल्स आती है, और डाइप्टेरन्स को जिसके अंदर फ्लाइज और मॉस्किटो आता है, ठीक है। ये जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन है बनाता है कब, एक पर्टिकुलर फेज में ही बनाता है अपनी ग्रोथ की। मैं दोबारा से बता रही हूँ, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस क्या करता है, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि क्या करता है, इंसेक्ट्स को किल कर देता है। ये सारी आपको क्लासेस दी हुई है, किस किस क्लासेस के इंसेक्ट्स को मारता है। ये जो प्रोटीन है एक स्पेसिफिक पीरियड में ही बनता है, स्पेसिफिक फेज में ही बनता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस की, ठीक है। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बीटी टॉक्सिन है जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से हम लेते हैं वो इंसेक्ट को मार देता है, बट ये तो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के अंदर से हम ले रहे हैं तो बैसिलस को क्यों नहीं किल करता। यस, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के अंदर जो ये बीटी टॉक्सिन जीन है, दैट इज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये बैसिलस को क्यों नहीं मारता? यस, क्यों? क्योंकि जो ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है
ये बेसलस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बेसलस के अंदर ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही इंसेक्ट के पेट में जाता है, ये गट में जाता है, इंसेक्ट ने खाया प्लांट को, इंसेक्ट के अंदर चला गया, है ना। तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इंसेक्ट के पास? इंसेक्ट के पास होता है अल्कलाइन पीएच, कहाँ पे? गट में। ये अल्कलाइन पीएच जो होता है गट का, वो क्या करता है, ये इस इनएक्टिव टॉक्सिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और अभी ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन कहाँ बाइंड करेगा? इंसेक्ट के मिडगट पे, एपिथेलियल सेल्स पे, सरफेस पे बाइंड करेगा और उसकी सेल में क्या कर देगा? पोर्ट्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगी और इवेंचुअली क्या हो जाएगा? इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस से हमें क्या मिलता है? बीटी टॉक्सिन मिलता है, जो कि क्या करता है? इंसेक्ट को किल करता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ये बेसिलस से हम ले रहे हैं, बेसिलस को किल क्यों नहीं करता? उसके अंदर से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिलस का जो पीएच है वो अल्कलाइन नहीं होता गट का, बट जैसे ही इंसेक्ट उसे खाता है, इंसेक्ट का जो अल्कलाइन पीएच होता है गट का, वो उस इनएक्टिव टॉक्सिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन कहाँ जाएगा? इंसेक्ट के मिड गट एपिथेलियल सेल्स पे जाएगा, उसके सेल वॉल में पोर्स कर देगा और फाइनली इंसेक्ट हमारा सेल लाइसिस होके मर जाए। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आता है, अल्कलाइन पीएच है, एसिडिक पीएच है, कहाँ का है? गट का है। किससे बाइंड कर जाते हैं फिर ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन? हमारे मिडगट एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स के साथ। ये तीन चार इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से बनती है और ये तो आपको याद करना ही करना है कि किस किस क्लास के किस किस इंसेक्ट्स को किल करते हैं। चलो, तो ऐसे ही किया गया, ऐसे ही। अब देखो बायोटेक में कैसे इसके एप्लीकेशन को यूज़ किया गया। बीटी टॉक्सिन जीन उठाया कहाँ से? बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस से, है ना, और कहाँ पे डाल दिया? क्रॉप में डाल दिया। बीटी कॉटन बनानी है तो कॉटन के अंदर डाल दिया, बीटी सोयाबीन बनाना है तो सोयाबीन के अंदर डाल दिया, है ना। अब जीन की चॉइस कैसे करोगे भाई? किस इंसेक्ट के रेजिस्टेंट आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टॉक्सिन अलग अलग इंसेक्ट को किल करते हैं। जैसे कि मान लो क्राई वन एसी नियम का क्राई है, मतलब ये क्या है? ये बीटी टॉक्सिन ही है, क्राई जीन से बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मान लो क्राई वन एसी है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन है, तो किसको किल करता है? यस, क्राई वन एसी, क्राई वन एसी और क्राई टू एबी दोनों किसको किल करते हैं? कॉटन बोलवॉर्म्स को किल करते हैं। क्राई वन एबी किल करता है कॉर्न बोरर को, ठीक है। तो ये जो क्राई प्रोटीन्स होते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं किस इंसेक्ट को किल करना है, उसके हिसाब से तो आप यूज़ करोगे। सभी को क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं ये हमारे बीटी टॉक्सिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है। जो भी इंसेक्ट के ग्रुप को आपको किल करना है उसके हिसाब से आप यूज़ करोगे बीटी टॉक्सिन। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? देख लो, देखो यहाँ पे इमेज में देखो जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहले में क्या दिया हुआ है? ए वाला और बी वाला। देखो ये जो ए वाला है ये वो कॉटन है जिसको बोलवॉर्म्स ने किल कर दिया है, मार दिया। देखो कैसा हो गया, बिल्कुल ड्राई पड़ा है ना, मार दिया इसको किसने? कॉटन बोलवॉर्म्स ने। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे बायोटेक यूज हुई है? और ये वो वाली कॉटन है जिसको बोलवॉर्म्स किल नहीं कर पाए, है ना, किल नहीं कर पाए। तो बताओ ए में यूज हुई है बायोटेक या बी में? बताओ मुझे बायोटेक किस में यूज हुई है, ए में या बी में? ये वो क्रॉप है, कॉटन है जिसको इंसेक्ट ने ख़त्म कर दिया है, वो ये वाली कॉटन है जिसको इंसेक्ट कुछ भी नहीं करता है, किस में बायोटेक यूज़ हुई है? यस, बताओ मुझे ए में या बी में, किस में बायोटेक यूज़ हुई है इनमें से, कौन बताएगा? यस, कहाँ पे यूज़ हुई है बायोटेक? बी में। वेरी गुड प्रकार, ठीक है, क्योंकि इसको तो किल ही कर दिया ना, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ, यहाँ पे कोई भी बायोटेक नहीं लगी। और यहाँ पे बायोटेक यूज हुई है तभी तो वो रेजिस्टेंट बना है ना, तभी तो वो रेजिस्टेंट बना है। चलो आगे हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की, दैट विल बी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये कैसे थे? ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट थे, बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन वगैरह। अब हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स।
अब देखो कुछ नेमेटोड्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, पैरासाइट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जैसे कि नेमाटोड का एग्जाम्पल है हमारा मेलेडोगाइने इंकोग्निटा, ठीक है, एक नेमाटोड है इंकोग्निटा। ये क्या करता है, टबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यील्ड में कमी हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है यील्ड का। जो ये नेमाटोड है हमारा इंकोग्निटा, ठीक है, ये क्या करता है, ये नेमाटोड टबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से नेमाटोड्स की जो होती है टबैको प्लांट्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेक्निक लगाएंगे, कौन सी, आरएनए इंटरफेरेंस की लगाएं। अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ पे होता है, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ सेलुलर डिफेंस। आरएनए इंटरफेरेंस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में एज अ सेलुलर डिफेंस हम सब में नेचुरली प्रेजेंट होता है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, हम सभी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में एज अ मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफेंस। कोई बाहर से आया एंटीजन तो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस जो मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। ये क्या करता है, ये जो मेथड होता है ये आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई इसको हम बोलते हैं, क्या करता है, स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है, ठीक है। बेसिकली कैसे साइलेंस करता है, एमआरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होने देता, मतलब एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट होने नहीं देता, है ना, एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देता। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, ये एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट होने नहीं देता, ट्रांसलेशन को ये इनिबिट करता है, कौन, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, प्रोटीन नहीं बनने देता बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो आरएनए कैसे भी आ सकता है, इन्फेक्शन से आ सकता है, वायरस हम सबको पता है वायरस इसके पास क्या होता है, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मान लो आरएनए आया, ठीक है, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स आए जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम यूज़ करेंगे एग्रोबैक्टीरियम अगेन, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट का यूज़ कर रहे हैं, होस्ट हमारा प्लांट है ना, टबैको प्लांट, प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा वेक्टर कौन होगा, टी आई प्लाज्मिड होगा, और एग्रोबैक्टीरियम से हम लेंगे। हम क्या करेंगे, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे किसमें, होस्ट प्लांट में। क्या करेंगे, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन किस में डाल देंगे, होस्ट प्लांट में डाल देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वो सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। हम डीएनए को इस तरह डालेंगे कि वो जो डीएनए है वो सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बना सके होस्ट में। अब देखो दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे से, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ठीक है, और बाद में क्या होगा, इसको साइलेंस कर दिया जाएगा बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, ठीक है, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा होस्ट में, और फाइनली हमारा जो प्लांट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द पैरासाइट। अभी मैं इसको बना के भी दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी, मुझे लगता है अभी समझ नहीं आया बच्चों को, मैं भी बना के भी दिखाऊंगी, चलो इसी को बना के दिखाते हैं। देखो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल दिस इज माय टबैको प्लांट, और ये है इसकी रूट्स, तो इसकी रूट्स को कौन इफेक्ट कर देता था, नेमेटोड, कौन सा, इंकोग्निटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या कर देता था, इसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर देता था, किसकी, टबैको प्लांट्स की, कौन, इंकोग्निटा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया, फिर देखो क्या करता था, बेसिकली ये इन्फेक्ट करके इसके अंदर डिसीज कोज कर देता था, रूट नोड डिसीज, रूट नोड डिसीज कोज कर देता था, जिसकी वजह से टबैको प्लांट मर जाता था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज करनी है, क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन क्या है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज कर लो, है ना। बेसिकली आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम किसी भी जीन को या आरएनए को साइलेंस कर देते हैं, क्या करते हैं, किसी भी जीन और आरएनए को साइलेंस कर देते हैं, कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के किसी भी जीन को साइलेंस कर देते हैं, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में हम ये ऐसा करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
ठीक है, ये मैंने बनाया टबैको प्लांट, मैंने क्या बना दिया, टबैको प्लांट, ठीक है। और ये हमारा इनकोग्निटा, चलो स्टार्ट करें, बताओ। अभी इस टेक्निक को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं एक और बना देती हूँ। इसके पास क्या है, डीएनए है, जो कि क्या है इसका, इन्फेक्शस है, ठीक है। इसका जो डीएनए है वो कैसा है, इन्फेक्शस है। ये क्या कर रहा है, डिसीज कोज करता है, ठीक है। अब देखो इस लाइन को समझो अच्छे से। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनकोग्निटा आया, ठीक है। ये क्या करता था, टबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता था और रूट नोड डिसीज कोज करता था, ठीक है। ये इनकोग्निटा आता था, प्लांट के अंदर क्या करता था, रूट नोड डिसीज कोज कर देता था टबैको प्लांट में। तो हमने क्या किया, पहले ही क्या करा, इनकोग्निटा का स्पेसिफिक जीन डाल दिया, ठीक है। पहले ही हमने क्या किया, इनकोग्निटा का स्पेसिफिक जीन इंसर्ट कर दिया टबैको प्लांट के अंदर, ठीक है। किसके थ्रू करोगे, एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि यहाँ पे होस्ट कौन है, हमारा प्लांट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इस स्पेसिफिक जीन को, इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन को, यस, इन साइलेंस का क्या मतलब होता है, इनएक्टिव करना, बिल्कुल सही बोला है सूरज ने। साइलेंसिंग मतलब क्या करना, इनएक्टिव करना, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तुम क्या करेंगे, इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू किस में डाल देंगे, टबैको प्लांट में डाल देंगे, ठीक है। ये चला गया, इनकोग्निटा का स्पेसिफिक जीन चला गया, डीएनए चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब असलियत में, जब रियलिटी में इनकोग्निटा इन्फेक्ट करेगा, ये रियलिटी वाला नहीं है, ये हमने खुद किया, बायोटेक हमने यूज़ किया है यहाँ पे। जब रियलिटी में इनकोग्निटा आएगा, ये रियलिटी वाला आ चुका है, जब रियलिटी में इनकोग्निटा इन्फेक्ट करेगा और अपना डीएनए यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, इस डीएनए से क्या बनेगा बताओ, इस डीएनए से क्या बनेगा, पहले आरएनए बनेगा, सबसे पहले आरएनए बनेगा, ठीक है। अब ये वाला आरएनए किससे बाइंड कर जाएगा, यस, ये डीएनए भी तो आगे जाके आरएनए बनाएगा, जो हमने खुद डाला था, ये हमने इंटेंशनली डाला था, इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली पहले ही डाल दिया था हमने, ठीक है। अब ये वाला आरएनए इस आरएनए के साथ मिलके क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, आरएनए आरएनए हाइब्रिड बना लेगा ना, बताओ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा ना, आरएनए आरएनए हाइब्रिड, बताओ बनाएगा या नहीं बनाएगा, जो कि आगे फिर कोई भी, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, है ना, आप सभी को पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता, क्योंकि इससे दो प्रोटीन बनते हैं और फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी कोज करते हैं। सभी को क्लियर हुआ हमने यहाँ पे क्या किया, मैं दोबारा से बता रही हूँ, हमने क्या किया, जब तक इन्फेक्शन नहीं हुआ था, पहले ही इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन इंटेंशनली टबैको में डाल दिया था, डीएनए से आरएनए बना, कोई बात नहीं। बाद में जब रियलिटी में इन्फेक्शन हुआ इनकोग्निटा का, तो क्या हुआ, इसका डीएनए अंदर गया, डीएनए से आरएनए बना, इस आरएनए ने पहले वाले आरएनए के साथ क्या बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का प्रोटीन नहीं बन सकता, क्योंकि आप सभी को पता है सिंगल, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, सिंगल ही बनता है ना, उस आरएनए से फिर आगे प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड ही जाता है ना, आप सभी को पता है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा होता भी नहीं है, आप सभी को पता है। तो ये होती है हमारी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। हमने क्या किया, हमने आरएनए का यूज़ करके ही क्या करा, आरएनए को इनएक्टिव कर दिया। देख लो, आरएनए को साइलेंस करना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। दोबारा से सुन लो क्या किया हमने यहाँ पे, हमें क्या करना है, इस टबैको प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, इस निमेटोड के अगेंस्ट स्पेसिफिक, मतलब रेजिस्टेंट बनाना है। तुमने क्या किया, इंटेंशनली पहले ही इनकोग्निटा का स्पेसिफिक जीन डाल दिया, इस डीएनए ने आरएनए बना दिया। जब असलियत में इनकोग्निटा आएगा, इन्फेक्शन करेगा, तो इस डीएनए से आरएनए बनेगा, ये आरएनए जो इंटेंशनली हमने डाला था आरएनए, उसके साथ हाइब्रिड बना लेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने आरएनए इंटरफेरेंस यूज़ करा, हमने आरएनए को ही यूज़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया और उसको साइलेंस कर दिया। नहीं, इनकोग्निटा है ना, इनकोग्निटा ही तो हार्म कर रहा है टबैको प्लांट को। देखो रियलिटी में आया ना इनकोग्निटा,
ये पहले हमने इंटेंशनली डाल दिया उसके स्पेसिफिक जीन, ठीक है, बाद में जब रियलिटी में इनकॉग्निटा आएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा प्लांट को. क्यों? क्योंकि आरएनए आरएनए ने क्या करा, हाइब्रिड बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, उससे प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, तो टबैको प्लांट को कुछ हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो हमने क्या करा, है ना, समझ में आ गया ना, हमने पहले ही इनकोग्निटा का स्पेसिफिक जीन डाल दिया, जिसकी वजह से जब रियलिटी में इनकोग्निटा आएगा दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे और ये आगे जाके प्रोटीन तो बना ही नहीं पाएगा, ये तो आगे जाके प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा. तो क्या टबैको प्लांट का कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, प्रोटीन बना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई टबैको प्लांट में. समझ में आया सभी को? चलो, तो ये सब होता है इसमें. तो देख लो आप, पहला क्या दिया हुआ है, ऐसे रूट्स हैं, ठीक है, जो कि अब इसमें से बता दो मुझे किसमें बायोटेक यूज हुई है, एक में या बी में, बताओ मुझे किसमें बायोटेक यूज की हमने, ए में या बी में, फटाफट बताओ. इमेज आपके सामने है, यस, किसमें आपको लगता है यूज हुई है बायोटेक, ए में या बी में? वेलकम रिपेश, जय श्री कृष्णा, लेट हो गया आज. हाँ, विदाउट इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन आप नहीं कर सकते, आपको इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन पहले डालना ही पड़ेगा सूरज. विदाउट इनकोग्निटा स्पेसिफिक जीन आप नहीं कर सकते, पहले आपको डालना ही पड़ेगा. आई एम गुड रिपेश, यस. इसमें कोई भी बायोटेक यूज नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो रूट्स में कितने बड़े बड़े क्या हैं, रूट नोट्स डिसीज हो रखी है, देखो दिख रहे हैं, ये तो डिसीज है, और इसमें बायोटेक हमने यूज़ की है ना, इसमें बायोटेक यूज हुई है, कोई भी आपको देख सकते हो आप, कोई भी रूट नोट यहाँ पे नहीं है, तो ये डिसीज नहीं हो रही. चलो, तो हमने एग्रीकल्चर में सारे एप्लीकेशन हमने कर ली, डन, स्टार्ट करें अगली मेडिसिन, अगली एप्लीकेशन स्टार्ट करें मेडिसिन. तो देखो, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और इफेक्टिव भी होता है ना. बायोटेक का यूज़ करके हम इफेक्टिव ड्रग्स बना सकते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करके. और रिकॉम्बिनेंट जो थेरेपेटिक्स होती हैं वो कोई भी अनवॉन्टेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं कर सकती, नहीं करती है, ठीक है. तो बायोटेक का यूज़ करके, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का यूज़ करके हमने अभी तक कितने 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स बना लिए हैं फॉर द ह्यूमन यूज़, अप्रूव हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड. और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में इनमें से 12 मार्केट किए जाते हैं, ठीक है. तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं ह्यूमंस, बट इंडिया में अभी 12 ही यूज़ किए जाते हैं. थैंक यू सो मच राम, ठीक है. ऐसे ही बाकी क्लासेस की बाकी भी देख लेना, ठीक है, और भी क्लासेस के एनसीईआरटी हाईलाइट्स मैंने डाले हुए. चलो, तो मेडिसिन के अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन है इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन बनाया गया था. चलो, तो देखो, जिसको भी डायबिटीज़ होती है, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स. जिसको भी डायबिटीज़ होती है उनको क्या करना पड़ता है, रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, महीने में, हफ्ते में इंसुलिन के डोज लगवाने जाना पड़ता है ना. If we discuss this, what would you soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals? ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड, इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं अगर हमें इंसुलिन बनवाना है, क्योंकि ह्यूमन इतना ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता, आप सभी को पता है. तो हम क्या करेंगे भाई, एनिमल से निकाल लो इंसुलिन, एनिमल को यूज़ कर लो, है ना. वी कैन आइसोलेट एंड यूज़ इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स, बट इसका एक डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है, कोई बताएगा मुझे? यस, एनिमल्स से हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, जो हम नहीं चाहते. मान लो कोई भी एंटीजन आता है ना, और हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, इम्यून सेल होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना, और वो रिएक्शन करने लगते हैं, है ना. तो बायोटेक का यूज़ करके हम ऐसी ड्रग्स बना चुके हैं जो कि ऐसे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, रिएक्शन जनरेट नहीं होती है. बेसिकली यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एडवांटेज बताया हुआ है रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता. यस, क्या होगा भाई, अगर हम एनिमल से लेंगे इंसुलिन तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या?
बिल्कुल होगी, क्या होगी, एलर्जी हो जाएगी भाई, है ना। हमारे हमारे लिए तो बाहर का सेल है ना, एनिमल स्पीशीज ही अलग हो गई। एक ह्यूमन ह्यूमन में ही, मतलब अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसफ़र करते हैं कोई सेल, तब भी इतना ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे तो स्पीशीज ही अलग हो गई, एनिमल से इंसुलिन ले रहे हैं और ह्यूमन में डाल रहे हैं, एलर्जी होगी, हमारे जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, है ना। हमारे लिए तो वो फ़ौरन है ना, एंटीजन की तरह काम कर रहा है हमारे लिए, तो एलर्जी कोज हो जाती है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रेटेड बाई ह्यूमन बॉडी इट सेल्फ, एंड वुड इट नॉट इंक्लाइन एन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा होगा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है, फॉरन है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। चलो बैक्टीरिया ले लेते हैं जो कि ह्यूमन इंसुलिन बनाए। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, इतना सिंपल हो जाएगा। आप तो बैक्टीरिया ग्रो करते रहो, एक दिन में आपको इतने बैक्टीरिया मिल जाएंगे, इतना इंसुलिन मिल जाएगा, है ना। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। क्या लगता है इसका कौन देगा मुझे जवाब, बताओ। क्या आप इंसुलिन को ओरली दे सकते हो? आप सभी को पता है इंसुलिन के तो इंजेक्शंस लगते हैं ना, है ना। कोई टैबलेट तो नहीं आती है इंसुलिन की, कभी सुना है इंसुलिन की टैबलेट खा लेते हैं। चलो, क्या हम इंसुलिन को ओरली, मतलब एज अ मेडिसिन फॉर्म में, है ना, पिल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं? बताओ बताओ, ले सकते हैं क्या? रीज़न भी बताना अगर नहीं ले सकते या ले सकते हैं तो। यस बिल्कुल, प्रखार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है बाय अवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने एंजाइम प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, डिग्रेडेड बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ओरली भी नहीं ले सकते, है ना। मेडिसिन फॉर्म में होता तो रोज ले ही लेते, है ना, मतलब महीने 2 महीने के पूरे पिल्स ले आते और डोज लेते रहते, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई भी डॉक्टर्स के पास ना जाता इंसुलिन लगवाने, है ना। नहीं, वो रीज़न नहीं है सूरज, एब्जॉर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है माउथ में, है ना। अल्टीमेटली जाना तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो पहले डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए लिया जाता था, वो कहाँ से लिया जाता था, जो स्लोटेड कैटल्स और पिग्स होते हैं। स्लोटेड मतलब पता है सभी को, उनके पैनक्रिया से इंसुलिन लिया जाता था, मतलब एनिमल सोर्स हम यूज़ करते थे। पिग्स और कैटल से क्या करते थे, उनके पैनक्रिया से इंसुलिन को आइसोलेट करते थे, बेसिकली इंसुलिन को हम एनिमल सोर्स से लेते थे, ठीक है। बट क्या होता था, कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या देखा गया, एलर्जी हो गई थी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए तो वो बाहर का है ना, पिग्स हो गया, कैटल्स हो गया, हमारे लिए तो बाहर का है, रिएक्शन हो गया बिकॉज ऑफ फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलो अब देखो, इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख लो फटाफट। इंसुलिन के पास क्या होता है, इंसुलिन के पास 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कौन कौन सी चेन होती है, एक चेन ए होती है और एक चेन बी होती है। दोनों कैसे लिंक्ड होती है, दोनों चेन्स थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, चेन ए एंड चेन बी। मान लो ये है आपकी चेन ए और ये है चेन बी, दोनों कैसे कनेक्टेड होंगी, थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे। एनिमल के मैमल्स के केस में जैसे कि ह्यूमंस, इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज होता है, एज अ प्रो हॉर्मोन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। जिसके पास एक एक्स्ट्रा चेन होती है, दैट इज सी चेन, ठीक है। तो जो प्रो हॉर्मोन होता है, प्रो हॉर्मोन के पास एक एक्स्ट्रा चेन होती है, दैट इज सी चेन। ए और बी तो दोनों में होती है, चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, है ना, चाहे प्रो हो या ना हो, बट प्रो के पास एक एक्स्ट्रा चेन होती है, दैट इज सी पेप्टाइड सी चेन, ठीक है। ये जो सी पेप्टाइड होता है, ये मैच्योर इंसुलिन के पास नहीं होता, मैच्योर इंसुलिन के पास ये सी पेप्टाइड नहीं होता, ठीक है। तो मतलब जब प्रो हॉर्मोन, देखो प्रो हॉर्मोन के पास क्या है, ए चेन है, बी चेन है और सी चेन है। जब ये कन्वर्ट होता है मैच्योर में, तो यहाँ से सी चेन रिमूव हो जाती है, यहाँ से सी चेन रिमूव हो जाती है। मतलब मैच्योर के पास कौन कौन सी चेन है, एक ए है और एक बी है, बस
सी नहीं, सी नहीं है, ए है और बी है, ठीक है। तो इस स्टेन को रिमूव करना पड़ता है जब मैचुरेशन होता है इंसुलिन का। तो मेन चैलेंज क्या था, हम बेसिकली यहाँ पे बायोटेक यूज़ करेंगे ना, हम एनिमल से ले सकते क्योंकि एनिमल के केस में तो इंसुलिन में हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है ना, हम टैबलेट ले सकते क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिग्रेड हो जाता है, तो हम यूज़ करेंगे बायोटेक, ठीक है। तो सबसे पहली कंपनी जिसने बायोटेक का यूज़ करा, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का यूज़ करा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, दैट वॉज अवर इली लिली। कौन सी कंपनी थी? इली लिली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। 1983 में इन्होंने क्या करा, दो डीएनए सीक्वेंस बनाया। कौन कौन से बनाया भाई? एक ए चेन बना ली और बी चेन बना ली ह्यूमन इंसुलिन यूज़ करके, है ना। और बाद में इन दोनों चेन्स को किस में डाल दिया? प्लाज्मिड में डाल दिया, है ना। ई कोलाई उन्होंने यूज़ करा, है ना। चेन ए और चेन बी दोनों को सेपरेटली बनाया, है ना। पहले क्या करा, चेन ए बनाया, क्या यूज़ करा? ई कोलाई का प्लाज्मिड यूज़ करा। ऐसे ही चेन बी बनाया, अगेन ई कोलाई का यूज़ किया। दोनों को बाद में, दोनों चेन्स बन गई हमारे पास, दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, दोनों चेन्स को बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, और क्या बन गया? ह्यूमन इंसुलिन बन गया। कौन सा वाला? मैच्योर वाला, क्योंकि मैच्योर के पास सिर्फ ए और बी चेन होती है, सी नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन आता है भाई, ई कोलाई की यूज़ करा? यस, ई कोलाई की यूज़ करा, बिकॉज ई कोलाई बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ज़्यादा चेन्स मिल जाएंगे ना, है ना, क्योंकि ई कोलाई बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए आपको ज़्यादा चेन्स मिल जाएंगे। सभी को क्लियर हो गया? बताओ। थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच। देख लो अब क्या करा, प्रो इंसुलिन है। प्रो मतलब इसके पास क्या होगा, इसके पास ए चेन भी होगी, बी भी होगी, सी भी होगी। बाद में क्या करा? यस, बाद में क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? मैच्योर में। ये मैच्योर वाला है, मैच्योर इंसुलिन। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई मैच्योर में? सी को हटा दो, सी को रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास? मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा। दिस इज योर मैच्योर इंसुलिन। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ, इंसुलिन की प्रोडक्शन सभी ने देख ली? सभी को आ गया बायोटेक का यूज़ करके कैसे इंसुलिन बनाएंगे? वी विल यूज प्लाज्मिड्स, ए चेन बनाएंगे, बी चेन बनाएंगे, बाद में दोनों को कनेक्ट कर देंगे थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो हमारी ए चेन होती है वो छोटी होती है, 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बी चेन बड़ी होती है, 30 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। सभी को क्लियर हो गया? बताओ। नहीं, डाइसल्फाइड का बॉन्ड का ऐसा नंबर नहीं होता प्रकार, ठीक है। आपको बस अमाइनो एसिड याद करने हैं, ए चेन में कितने होते हैं और बी चेन में कितने होते हैं। ए चेन में 21 होते हैं, बी चेन में 30 होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड याद करने हैं ए चेन के और बी चेन के, ठीक है। बाकी मैं आपको देख के बता दूंगी कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। अभी मुझे अमाइनो एसिड ए और बी अभी इतना याद रख लीजिए, ये मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है, अबाउट डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलो आगे करें, ठीक है। तो इसको हम और क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, हमारा हो चुका है इतना। आगे हम करें जीन थेरेपी स्टार्ट करें। अब देखो, मान लो कोई एक पर्सन है जो कि बोर्न हो चुका है विद हेरिडिटरी डिसीज, ठीक है, और आपको क्या करना है उस जीन को क्या करना है? हाँ मैं आपको देख के बता दूँगी, ठीक है। और हमें क्या करना है? उसको करेक्ट करना है। तो क्या करेंगे? जीन थेरेपी को ही यूज़ करेंगे। जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी एक कलेक्शन है मेथड की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डिफेक्टिव जीन को कलेक्ट करते हैं, कैसे? डायग्नोज करके, ठीक है। क्या होता है जीन थेरेपी? करेक्शन ऑफ जीन, हम क्या करेंगे, जीन को करेक्ट करेंगे। कैसे? मैं बोलूँगी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, कैसे? बाय नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन देके हम क्या करेंगे, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जीन्स जो भी होते हैं कहाँ से लिए जाते हैं? पर्सन के सेल और टिश्यू से लिए जाते हैं डिसीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कैसे करते हैं? नॉर्मल जीन की डिलीवरी करके, ठीक है, और
वो जो नॉर्मल जीन होता है वो क्या कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है डिफेक्टिव जीन को. ठीक है, डिफेक्टिव जीन को कैसे करेक्ट करेंगे, बाय गिविंग नॉर्मल जीन. वो नॉर्मल जीन कहाँ से लेंगे, सेल और टिश्यू से लेंगे. तो इसका जो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी था जो कि किया गया था, किस पे किया गया था, एक 4 साल की लड़की के ऊपर. ठीक है, 1990 में 4-year-old गर्ल के ऊपर किया गया था. उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी थी, ADA, एडीनोसिन डीएमिनेज की उसको डेफिशिएंसी थी. ठीक है, अच्छा ये एंजाइम की डेफिशिएंसी थी उसको. ये एंजाइम करता क्या था ये भी देख लेते हैं. ये एंजाइम बहुत ज़रूरी था इम्यून सिस्टम के लिए. ठीक है, जैसे ही इस डिसीज़ में क्या हुआ, ADA की डेफिशिएंसी होगी, मतलब अब इम्यून सिस्टम वीक हो गया है ना, वीक हो गया. ठीक है, तो इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, डिलीशन हो जाता है इस जीन का, किसका, जो कि किसके लिए कोड करता है, एडीनोसिन डीएमिनेज के लिए कोड करता है. उस जीन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी. तो उसका इम्यून सिस्टम जो था वो वीक रहने लग गया है ना. इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं. तो पहला ट्रीटमेंट क्या है, कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर लो है ना. इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट टेक्निक, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज़ कर लो. फंक्शनल ADA उस लड़की को दे दो इंजेक्शन के थ्रू. बट इसकी क्या प्रॉब्लम थी, इन दोनों की क्या प्रॉब्लम थी, ये कम्प्लीटली क्योर नहीं करती डिसीज़ को है ना. बार बार जो पेशेंट है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बार बार उसको ADA का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा. ठीक है, एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर. सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट निकाल लो, ब्लड से लिम्फोसाइट निकाल लो है ना, और उसको कल्चर में ग्रो करो. ठीक है, लिम्फोसाइट का क्या मतलब है, लिम्फोसाइट मतलब आपके इम्यून सेल, उसी की तो कमी है लड़की को. इम्यून सेल निकाल लो ब्लड से पेशेंट के और उसको कल्चर करो बाहर, इन विट्रो. आउटसाइड द बॉडी का क्या मतलब है, इन विट्रो. फंक्शनल ADA-cDNA इज देन इंट्रोड्यूस्ड इन दीज लिम्फोसाइट. बाद में क्या करो, एक फंक्शनल ADA का cDNA उन लिम्फोसाइट में डाल दो. सबसे पहले क्या करना है, जिसको भी ADA की डेफिशिएंसी है उस लड़की को लो, उसके ब्लड से लिम्फोसाइट निकालो, उस लिम्फोसाइट के अंदर क्या डाल दो, फंक्शनल ADA-cDNA डाल दो. मतलब फंक्शनल ADA का क्या डाल दो, कॉम्प्लीमेंट्री DNA डाल दो. cDNA का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA. ठीक है, यहाँ पे होस्ट हमारा क्या है, मैमल्स, एनिमल्स बेसिकली. तो क्या यूज़ करेंगे, क्या आप एग्रोबैक्टीरियम यूज़ करेंगे क्या, क्या अभी भी एग्रोबैक्टीरियम यूज़ करोगे, नहीं. एनिमल के केस में वी यूज रेट्रोवायरस, बताया था क्या यूज़ करेंगे, रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे. ठीक है, बट आगे देखो, विच आर सब्सटिट्यूएंटली रिटर्न टू द पेशेंट. बाद में उन लिम्फोसाइट को, उस लिम्फोसाइट के अंदर हमने क्या करा, cDNA डाल दी और उसको वापस से पेशेंट को दे दो. However, as these cells are not immortal, आप सभी को पता है लिम्फोसाइट मरते भी तो है कुछ टाइम के बाद, हमेशा जिंदा तो नहीं रहते लिम्फोसाइट. अब जिन लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने cDNA डाला वो कभी तो मरेंगे है ना. ये सेल्स इमोर्टल नहीं होते, पेशेंट को बार 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 क्या करना पड़ेगा, इन लिम्फोसाइट्स की क्या करवानी पड़ेगी, cDNA डलवाना पड़ेगा, फिर लिम्फोसाइट्स को अपनी बॉडी में डलवाना पड़ेगा. मतलब डॉक्टर के बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे हर महीने है ना, है ना. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट क्योर नहीं है, हम यहाँ पे परमानेंट क्योर देख रहे हैं. मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ हमने क्या करा. यस, ये मान लो लड़की है, ठीक है, वही हमारी 4 साल की लड़की. ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास ADA नहीं है, इसके अंदर ADA की डेफिशिएंसी है. तो हम क्या करते हैं, इस लड़की का ब्लड निकालो. ठीक है, ब्लड निकाल लिया है ना, ये रहा ब्लड. इस ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होंगे, आप सभी को पता है इस ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट भी तो होते हैं जो कि हमारे इम्यून सेल होते हैं. ठीक है, डॉक्टर ने क्या करा, इस लड़की का ब्लड निकाला, ब्लड से लिम्फोसाइट निकाल ली. इन लिम्फोसाइट के अंदर डॉक्टर ने क्या करा, चलो इसके अंदर क्या करते हैं, जिस चीज़ की कमी है, ADA की कमी है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, फंक्शनल ADA का cDNA डाल देते हैं. cDNA का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA डाल देते हैं. ठीक है, डाल दिया लिम्फोसाइट के अंदर, क्या करा, फंक्शनल ADA का cDNA डाल दिया. बाद में क्या करा, अब कैसा लिम्फोसाइट बन गया, एक ऐसा लिम्फोसाइट हमारे पास बन चुका है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर फंक्शनल ADA है. और फिर क्या करेंगे, इस लिम्फोसाइट को वापस से लड़की को दे देंगे. बट आप सभी को पता है लिम्फोसाइट्स हमारे इमॉर्टल होते हैं, कभी तो मर जाएंगे इसके अंदर लिम्फोसाइट
फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा डॉक्टर को, फिर ब्लड निकालना पड़ेगा, फिर ब्लड से लिम्फोसाइट निकालने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर रेडिएट डालना पड़ेगा, फिर वापस देना पड़ेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये परमानेंट क्यों नहीं? देखो इसका कोई रीज़न थोड़ी है सूरज, इमोर्टल होते हैं, आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर हर सेल मरता है एक टाइम के बाद, चाहे वो RBC हो चाहे कोई भी हो, अगर सेल्स मरेंगे नहीं तो हमारे अंदर तो सेल्स का इतना बड़ा हो जाएगा ना, कैंसर हो जाएगा हमें, सेल्स मरेंगे नहीं तो, सेल्स ग्रो करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे और हम इतने बड़े हो जाएंगे, है ना। सेल्स इमोर्टल होते हैं, आप सभी को क्या कहते हैं, इमोर्टल नहीं होते, ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके बाद वो मर जाते हैं, है ना। सभी को क्लियर है, लिम्फोसाइट्स कोई भी सेल्स हमारे इमोर्टल नहीं होते, ठीक है, सबका एक टाइम पीरियड है जिसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड करते हैं, पिछले मरते हैं, नए बनते हैं, ये चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका डिसएडवांटेज है कि भाई ये क्या है, ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये परमानेंट क्योर नहीं है, हम परमानेंट क्योर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो परमानेंट क्योर क्या भाई, क्या करो, ADA को कब डाल दो, परमानेंट क्योर की अब हम बात करें, क्या करें परमानेंटली, तो क्या करें, ADA को क्या करो, ADA को इंट्रोड्यूस कर दो सेल में, अभी भी सेल में ही डाल रहे थे, लिम्फोसाइट में डाल रहे थे, बट परमानेंट क्योर के अंदर हम क्या कर लेंगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इंसर्ट कर देंगे ADA को, है ना, ये एक परमानेंट क्योर है। क्या करेंगे, हमें पहले ही पता करना पड़ेगा कि इस बच्चे को आगे जाके ADA डेफिशिएंसी होगी या नहीं होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही, और तभी उसके सेल निकालेंगे, उसके अंदर ADA डाल देंगे, और फिर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही आपने सेल्स में ADA डाल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो परमानेंट क्योर है, है ना, ये तो क्या हो गया, परमानेंट क्योर हो गया। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, बताओ अगला करें। चलो अब हम बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस में हम कैसे बायोटेक का यूज करते हैं। फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज अर्ली डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग द, हाँ वो डिटेक्ट करना पड़ता है प्रखर, उसके लिए बहुत टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपको पहले ही डायग्नोसिस करवाना पड़ता है, है ना। उसमें आपको जब बेबी जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम पे पता करवाना पड़ता है, ठीक है, उसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, इंडिया में तो इतना ज़्यादा नहीं चलता है, ठीक है, बट बाहर तो सब कुछ ही हम पता कर सकते हैं, इवन हम बाहर तो जेंडर भी पता कर सकते हैं, अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ। चलो तो क्या होता है अर्ली डायग्नोसिस, इसी की हम बात करने वाले हैं, अर्ली डायग्नोसिस की कैसे कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप तो क्या कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, है ना, वी कैन यूज़ कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सीरम टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, है ना, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखो ये जो टेस्ट होते हैं, सीरम टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये तो हम बाद में करवाते हैं इस एज में, ये अर्ली डायग्नोसिस थोड़ी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो टेस्ट होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ही पता करते हैं, बाद में तो नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद तो मतलब फिर तो डिलीवरी होती है ना। वी कैन से कि सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में हम ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं, बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है, अप्रोक्स 7 to 8 months। चलो ठीक है, तो यूरिन टेस्ट हो गया हमारा, सीरम टेस्ट हो गया, इससे हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते, किसी भी डिसीज का पहले थोड़ी पता कर सकते हैं यूरिन टेस्ट से, ठीक है। अब देखो अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज़ PCR पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यस PCR पढ़ा था ना, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे ELISA हम यूज़ कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ELISA मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। सीरम क्या होता है, बिल्कुल ब्लड विदाउट प्लाज्मा इस सीरम, ठीक है, ब्लड से अगर आप प्लाज्मा निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, सीरम बच जाएगा जो कि येलो कलर का होता है, चलो आगे देखो। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ अ डिसीज सिम्टम,
मान लो किसी को देखना है कि किसी को पैथोजन हो, मतलब इन्फेक्ट कर गया है नहीं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है नहीं या वायरस का इन्फेक्शन हो गया है नहीं, ये तो हमें तभी पता लगेगा ना जब वायरस इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। किसी भी पैथोजन की अगर आपको प्रेजेंस देखनी है तो ये तो तभी सस्पेक्ट होगी ना जब पैथोजन इन्फेक्ट करेगा, है ना, या पैथोजन ऐसी डिसीज़ करेगा जो कि सिम्टमेटिक होगी, सिम्टम्स हमें दिख रहे होंगे, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर आपका देखेगा कि क्या कौन सा पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है। बाय दिस टाइम अगर कंसंट्रेशन पैथोजन की बहुत हाई है, बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी हाई इन द बॉडी, हाउएवर कभी कभी क्या होता है हमें सिम्टम्स दिखते नहीं हैं बट हमें तब भी लगता है कि शायद हो गया हो, है ना, मतलब वायरस का जो भी कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बहुत कम है ना, वायरस का कंसंट्रेशन या बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत कम है, मतलब अभी सिम्टम्स अभी दिखे नहीं हैं, ठीक है, तब भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, तब भी आप डिटेक्ट कर सकते हो डिसीज़ को, कैसे, PCR का यूज़ करके, कैसे PCR कैसे इतने कम कंसंट्रेशन के वायरस के DNA को सस्पेक्ट कर लेता है, तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है PCR का प्रिंसिपल। PCR क्या करता है, सिंगल कॉपी ऑफ DNA को किस में कन्वर्ट कर देता है, मल्टीपल कॉपीज में, है ना, पता है ना, सभी को पता है ना PCR का प्रिंसिपल, सिंगल कॉपी से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं DNA की यूजिंग PCR मशीन विद इन 1 आवर, है ना, तो ऐसे ही किया गया है। PCR को किस में यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन देख लो PCR की, PCR इज यूज टू डिटेक्ट HIV इन एड्स पेशेंट के अंदर HIV को डिटेक्ट कर सकता है कौन, PCR, ठीक है, और PCR का आप सबको पता है यूज़, है ना, 2020 में कितना यूज़ हुआ था PCR का, है ना, हुआ था ना यूज़ कोरोना वायरस के केस में, है ना, किसी को थोड़ा सा भी लगता था कि शायद मुझे वायरस हो गया कोरोना वायरस, फटाफट डॉक्टर के पास चले गए, है ना, और डॉक्टर ने बता दिया, इतनी कम कंसंट्रेशन में भी कैसे पता कर पाते थे, बिकॉज ऑफ PCR, ठीक है, तो PCR का फ़ायदा क्या होता है, ये कम कंसंट्रेशन ऑफ वायरस को भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही ये है, सिंगल कॉपी ऑफ DNA को मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और भी डिसऑर्डर्स को हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग PCR। सभी को क्लियर हो गया, अगला देखो, अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA यस टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। आप क्या करते हो, प्रोब को यूज कर सकते हो, ठीक है, वी कैन यूज रेडियो एक्टिव प्रोब, ठीक है, और ये जो प्रोब होगा वो किससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हमारे DNA से, तो बाइंड कर जाएगा, हाइब्रिडाइज कर जाएगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री DNA पे, बाद में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, बट द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, बट वो क्लोन जो कि म्यूटेट हो चुका है वो आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखेगा, क्योंकि जो प्रोब होता है वो हमारे म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आया था, मेरी बात समझो, हम क्या करते हैं बेसिकली इसके अंदर, हम DNA या RNA को किससे टैग कर देते हैं, अपने प्रोब के साथ टैग कर देते हैं, हम ऐसा प्रोब यूज़ करते हैं जो कि हमारे DNA से क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, है ना, हमारे DNA से कॉम्प्लीमेंट्री हो, बट मान लो हमारे अंदर कोई म्यूटेशन हो गई है, अब हमें तो नहीं पता ना म्यूटेशन हो चुकी है, बताओ अब क्या वो प्रोब हमारे म्यूटेटेड DNA के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऐसा प्रोब डाला था जो कि हमारे DNA से कॉम्प्लीमेंट्री हो, बट हमें नहीं पता था कि हमारे DNA में म्यूटेशन है, तो हमारा जो प्रोब होगा वो हमारे म्यूटेटेड जीन के साथ बाइंड हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये 2023 में आया था स्टेटमेंट बेस्ड में, याद रखना, प्रोब कभी भी म्यूटेटेड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा प्रोब यूज़ करते हैं जो कि हमारे जीन DNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करे, म्यूटेटेड का तो हमें पता ही नहीं होता क्या म्यूटेशन हो चुकी है ना। आगे देखो ELISA किस पे बेस्ड होती है, ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हमारे अंदर एंटीबॉडी है, बाहर से एंटीजन आता है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ELISA के थ्रू हम देख लेंगे, ठीक है, तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। बाहर से पैथोजन आया, वो क्या है, वो एंटीजन है ना, अब एंटीजन का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है ना, और हमारी बॉडी जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, है ना, उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों इंटरेक्ट करेंगे और उसको हम ELISA के थ्रू पहचान लेंगे, ठीक है, तो एंटीजन बाहर से आया पैथोजन की फॉर्म में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, उन दोनों का जो
हाइब्रिडाइजेशन होके इंटरेक्शन होके जो बनेगा उसको हम एलाइजा के थ्रू देख सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा? सभी को क्लियर हुआ प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा? इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन बाहर से पैथोजन की फॉर्म में, एंटीबॉडी हमारी अगेंस्ट एंटीजन। लास्ट रह गया हमारा कुछ पार्ट, कर लेते हैं फटाफट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब सारे हमने एप्लीकेशन कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स फटाफट। एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनके हमने जीन्स को मैनिपुलेट किया है, डीएनए के साथ हमने छेड़छाड़ की है, ठीक है, जिसका हमने डीएनए मैनिपुलेट किया है, जिसके अंदर हमने अपना जीन डाला है, फॉरेन जीन डाला है, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। अभी एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक रैट हो सकती है, रैबिट, पिग, शीप, काउस, फिश, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बट 95% काम किस पे किया गया है? माइस पे किया गया है। क्यों भाई, ऐसा क्या फ़ायदा है माइस से, कोई मुझे बताएगा? ऐसा क्या फ़ायदा मिलता है हमें माइस से, कौन बताएगा? 95% बहुत ज़्यादा नंबर है ना, 95% काम हमने माइस पे किया है। क्यों भाई, क्या ऐसा माइस में, कौन बताएगा? फटाफट सोच के मुझे बताओ। तो कुछ कॉमन रीजंस देख लेते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है हमें ऐसे मॉडिफिकेशन करके, इतनी छेड़छाड़ करके, है ना। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली एनिमल्स का यूज़ करके देख रहे हैं कि उस जीन का क्या रोल है। हम डायरेक्टली ह्यूमन पे तो यूज़ नहीं कर सकते, है ना, तो हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे वो जीन रेगुलेट होता है और वो कैसे हमारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है, है ना। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स फैक्टर है ना, मान लो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली ह्यूमन पे तो डालोगे नहीं, क्या करोगे, पहले उसको एनिमल पे डाल दो और उसके अंदर देख लो कोई इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर सब कुछ सही है फिर आप एनिमल्स ह्यूमंस पे ट्रायल्स कर सकते हो, अगर उसके अंदर एलर्जी होती है फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, बायोलॉजिकल रोल पढ़ने के लिए किसी भी फैक्टर का हम यूज़ करते हैं क्या, एनिमल्स को यूज़ करते हैं। किसी ने नहीं बताया कि हम माइस को क्यों यूज़ करते हैं, किसी ने नहीं बताया, नो वन। हाँ प्रखार ने बताया है, यस, क्योंकि ह्यूमंस और माइस में ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर पड़ता है, बहुत ही कम डिफरेंस है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो जीनोम है वो माइस से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हम माइस को यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमन के यूज़ के लिए बनाने हैं ना, तो हम ऐसा ही होस्ट या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा ही हम एनिमल यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन से मिलता जुलता हो, दैट इज़ अवर माइस, ठीक है। तो हमने पहला क्या किया, हमें कोई भी फैक्टर का अगर फंक्शन देखना है ना, उसका क्या इफेक्ट होता है, इसलिए हम एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिज़ाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये जीन कौन सी कैसे डेवलपमेंट कर रहा है किसी भी डिसीज़ की, कैसे जीन है वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो भी हम बेचारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं। देखो है तो यहाँ पे सेल्फिश बिहेवियर ह्यूमंस का, है ना, हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत एथिकल इश्यूज भी आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, है ना। हम और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं कि भाई क्या ट्रीटमेंट करें उस डिसीज़ का एनिमल्स का यूज़ करके, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन डिसीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, नीमेटोड अर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर डिसीज़ हो गया, इन सभी डिसीज़ का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसके लिए हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, एज अ कह सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं। आगे देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी, अब देखो बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि ह्यूमन डिसीज़ को ठीक करती है, तो हम क्या करेंगे, यस, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है बनाने में, ठीक है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करेंगे इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को क्या करेंगे जो कि उस प्रोडक्ट के लिए कोड करता है, उसको डाल देंगे और फिर एनिमल से अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या ट्रीट करता है, ये एम्फिसीमा ट्रीट करता है, तो हम क्या करते हैं इस मेडिसिन को बनाने के लिए हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमें फिनाइल कीटोनूरिया बनाना है की ट्रीटमेंट करनी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट करनी है, तो भी हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं,
एग्जाम्पल देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1997 में पहला ट्रांसजेनिक काउ बना, रोजी नाम भी आ जाता है, जो कि क्या करती थी, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाती थी 2.4 ग्राम्स पर लीटर। देख लो ठीक है, इसके अंदर कितना प्रोटीन मिलता था पर लीटर, 2.4 ग्राम्स। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये जो मिल्क था उसके पास क्या था, इसके पास ह्यूमन का अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन था ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनली भी क्या था, बैलेंस प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज के लिए भी देन नेचुरल काओ मिल्क ठीक है। तो हमने क्या यूज़ करा, हमने ट्रांसजेनिक काओ रोजी यूज़ किया, जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाती थी 2.5 ग्राम्स पर लीटर। कौन सा प्रोटीन था, ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम पे देखो मैं आपको बायोलॉजी का बता सकती हूँ ईशा, है ना, अभी तो मैं आपको बायोलॉजी का ही समझा सकती हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको देखना पड़ेगा किस भी एजुकेटर से आप देखोगे। बायोलॉजी के लिए अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, तभी मैं एनसीईआरटी हाईलाइट्स आपके लिए लेके आ रही हूँ। देखो अगर मैं आपको 2-3 घंटे में एक चैप्टर करा रही हूँ, है ना, अभी हमारे पास कितना टाइम है, अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है ना, 1 महीना भी क्यों, आज क्या है, कम ही टाइम लगेगा अब तो, हाँ नहीं 1 महीना है अभी हमारे पास, 1 अप्रैल हुई है ना आज, है ना, 1 अप्रैल है ना, अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है ना, मतलब 30 डेज है ना, और मैं ऐसे टारगेट लेके चल रही हूँ कि आपका अब 30 या फिर जितने भी 35 डेज हैं आपके सारे चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाए। जो चैप्टर हो चुके हैं उसको आप कंप्लीट करिए, बैकलॉग अपना कंप्लीट कीजिए, है ना, और आगे वाले जो भी हैं वो साथ साथ करते चलिए मेरे साथ। अभी सिर्फ आपको बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अभी नोट्स बनाए बैठ के, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ें, कोई भी मॉड्यूल्स पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी अभी के लिए। तो ये मॉड्यूल पढ़ना है, नोट्स बनाना, ये सब स्टार्टिंग में होता था जब आपके पास 1-2 साल होता है उस टाइम पे। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ें, अभी एनसीईआरटी पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। देखो अगर आपको रैंक चाहिए फिर तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, अभी आप इस टाइम पे 1 महीने में रैंक तो नहीं ला सकते ठीक है, बट अगर आप डेडिकेटली पढ़ोगे तो आप अपना क्लियर ज़रूर कर लोगे, कोई पोस्टपोन नहीं होगा। प्रखर पोस्टपोन क्यों होगा, देखो नीट पीजी वालों का तो प्रीपोन हो गया ठीक है, तो ये सोच लो प्रीपोन भी हो सकता है, नीट पीजी वालों का तो प्रीपोन हो चुका है, पता है ना आप सभी को। हाँ बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ डेली आइए क्लास में, अगर नहीं आ पाते तो रिकॉर्डिंग देखिए ठीक है, अभी भी आप कर लोगे डोंट वरी, बट थोड़े से मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी ठीक है। दिन में एटलीस्ट आपको 11 से 12 घंटे देने पड़ेंगे, 11 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा इलेक्शन की वजह से, चलो देखते हैं। देखो अब ये मत सोचो कि पोस्टपोन होएगा तो अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी, यू नेवर नो क्या हो जाए, प्रीपोन भी तो हो सकता है, प्रीपोन हो गया तो नीट पीजी वालों का तो प्रीपोन हो गया, पता है। चलो तो 1997 में ट्रांसजेनिक काउ बनी रोजी, जो कि ज़्यादा प्रोटीन देती थी और ह्यूमन बेबीज़ के लिए भी अच्छी थी ये वाली मिल्क, मतलब प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मिल्क अच्छा था। चलो फोर्थ एप्लीकेशन है, वैक्सीन की सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, कोरोना टाइम में याद है ना वैक्सीन बनाई थी, है ना, डायरेक्टली ह्यूमन पे तो डाल नहीं दी थी वो एक वैक्सीन, सबसे पहले एनिमल्स पे ही टेस्टिंग होती है ठीक है। तो ट्रांसजेनिक माइस को हम यूज़ करते हैं, है ना, ट्रांसजेनिक माइस को हम यूज़ करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग वैक्सीन ठीक है, और बाद में फिर उसको ह्यूमन पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ किया गया फॉर द सेफ्टी ऑफ पोलियो वायरस, जब वो सक्सेसफुल हुई फिर उसको ह्यूमन पे डाला गया ठीक है, सभी को क्लियर है। आगे देखो अगला, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ नोन दैट टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, इसको टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं, ये भी उसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या होता है वैक्सीन की जगह क्या आ जाता है, ड्रग्स आ जाता है ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ऐसे बनाया जाता है कि वो जीन्स कैरी करे ठीक है, जो कि विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और बाद में जब उनको एक्सपोज किया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस से तो उनके इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं, जब सब कुछ सही रहता है फिर किस पे यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस पे यूज़ किया जाता है।
देखो माइंड सेचुरेट हो जाता है, इसके लिए आपको ब्रेक्स लेने पड़ते हैं सूरज, ठीक है, आपको ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना होता कि लगातार 5-6 घंटे पढ़े जा रहे हैं, फिर तो ऑब्वियसली सेचुरेशन आएगा। आपको अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करना है कि आप उसके बीच में कुछ ना कुछ कर रहे हो। जैसे सुबह आपने एक सेशन लगाया 2-3 घंटे का, फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, नहा लो, तो आपको ब्रेक मिल जाता है ना। आपने टाइम वेस्ट भी नहीं किया, आपको ब्रेक भी मिल गया है ना, और आपका काम भी हो गया, ठीक है। फिर आपको 2-3 घंटे पढ़ना है, फिर आप क्या कर सकते हो, लंच कर सकते हो, वो आपको ब्रेक मिल गया। लंच के टाइम पे थोड़ा सा टीवी देख लिया, कोई सीरीज़ देख ली, है ना। ऐसे आपको ब्रेक्स, जो आपके ब्रेक होंगे उसमें आपको ऐसा करना है कि आपका काम खत्म हो रहा है, नहाने का, खाने का, है ना। शाम के टाइम 2-3 घंटे पढ़े, फिर ब्रेक के लिए थोड़ी सी वॉक कर ली, है ना। तो आप फिट भी रह गए और आपका माइंड सेचुरेट भी नहीं हुआ। तो आपको अपने ब्रेक्स इस टाइम इस हिसाब से लेने हैं कि आपका घर का काम, जो भी आपका डेली का काम होता है, जो कि एसेंशियल होता है हम सभी के लिए, है ना, नहाना खाना ये सब तो हमें करना ही है डेली, तो वो आप करो, ठीक है। टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि 3-4 घंटे लगातार पढ़ ही रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा, एक 2-3 दिन आप ऐसे पढ़ लोगे, बाद में आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद आपका माइंड सेचुरेट हो जाएगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। चलो बस लास्ट पार्ट करते हैं, एथिकल इश्यूज, फिर ये चैप्टर खत्म। आज आज में हमने एप्लीकेशंस खत्म कर लिए, बस 15 मिनट और लगेंगे। चलो एथिकल इश्यूज में क्या आता है, देखो मैंने आपको बताया हम एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, एनिमल्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो एथिकल इश्यूज बहुत आएंगे, ठीक है। तो द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन कर रहे हैं, तो विदाउट रेगुलेशन सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड बनाए हैं, है ना। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी जरूरी है, पर मोरालिटी भी जरूरी है भाई, है ना। देयरफॉर इंडिया ने क्या बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दैट इज GEAC, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि क्या देखती है, सारे डिसीजन देखती है ना, सारे डिसीजन देखती है रिगार्डिंग GM रिसर्च। जिसको भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने हैं, ऑर्गेनिज्म बनाने हैं, तो उसको पहले इस कमेटी से GEAC से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो GEAC क्या देखेगी, सेफ्टी देखेगी कि कोई इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, अगर वो सेफ होगा तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस एज अ फूड एंड मेडिसिन हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांट्स, इसीलिए पेटेंट्स लेने पड़ते हैं, पेटेंट्स की बात करते हैं, इसको रहने दो, ठीक है। हाँ अब देखो, राइस जो कि एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, सभी को पता है राइस हम डेली में कंज्यूम करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री, देयर वर एस्टिमेटेड 200,000 वेराइटीज इन राइस इन इंडिया अलोन। राइस कितने सारी वेराइटीज हैं, है ना, हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है राइस की, इसीलिए इंडिया क्या है, रिचेस्ट है वर्ल्ड में राइस के फील्ड में। बासमती राइस आप सबको पता है, हम डेली खाते भी हैं। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा फ्लेवर, है ना। और बासमती की कितनी वेराइटीज़ है, 27 वेराइटीज़ बासमती की है इंडिया के अंदर, देख रहे हो, हमारे इंडिया बासमती राइस में कितनी वेराइटीज़ है, 27 वेराइटीज़ है। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एशियन टेक्स्ट, ये रहने दो। अब देखो इस कहानी को सुनो, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। 1997 में भाई क्या हुआ, अमेरिकन कंपनी आई, है ना, और उसने क्या किया, पेटेंट ग्रांट करना चाहा, किस पे, बासमती राइस पे। अमेरिकन कंपनी आई, उन्होंने क्या करा कि हम लेंगे पेटेंट किस पे, बासमती राइस पे, ठीक है। उनका जो था US पेटेंट था, ट्रेडमार्क ऑफिस, वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, अमेरिकन थे तो उन्होंने US के लिए पेटेंट अप्लाई किया, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, किसके लिए, इंडिया की बासमती राइस के लिए। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती, उन्होंने क्या किया कि हम नई वेराइटी बनाएंगे बासमती की US में और अब्रॉड में उसको सेल करेंगे। ये जो नई वेराइटी थी बासमती की, वो एक्चुअली कहाँ पे डिराइव हुई थी, वो इंडिया की थी भाई, इंडियन फार्मर्स ने उस वेराइटी को बनाया था, और US वाले क्या कर रहे हैं कि भाई हमने बनाया है ना, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली और अपना टैग लगा दिया US वालों ने, है ना। अच्छा इंडिया ने कैसे बनाई थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटी, इन्होंने क्या किया US वालों ने,
इंडिया की बासमती उठाई और उसको सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ क्रॉस करवा दिया, और कह रहे हैं कि हमने तो भाई इन्वेंशन की है। देख लो यूएस वाले क्या कह रहे हैं कि हमने इंडिया की वेराइटी उठाई कोई भी राइस की और उसको सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ क्रॉस करवा दिया, और कह रहे हैं हमने नई वेराइटी बना दी राइस की और उस पर पेटेंट भी ले रहे हैं यूएस पेटेंट वाले, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में वो पेटेंट भी लेना चाहते हैं इस पर। ठीक है, द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स एम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट सेवरल टाइम्स हैज बीन मेड टू पेटेंट यूजर्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन दैट इज टर्मरिक नेम। अभी इस पर भी बताऊंगी मैं। तो बाद में इनका जो पेटेंट था यूएस वालों का उसको हटा दिया गया था क्योंकि इनमें कोई भी नोवेलिटी नहीं थी। नोवेलिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी इन्वेंशन नहीं थी भाई, ये कोई इन्वेंशन थोड़ी है कि इंडिया की बासमती उठाई और सेमी ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवा दी। क्रॉस तो कोई भी करवा लेगा, ठीक है, ये कोई इन्वेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत चीज़ उन्होंने की थी। ऐसी हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि नीम हो गया, आप सभी को पता है इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें हैं मेडिसन, हम नीम हमारे जो पूर्वज है कितना यूज़ करते थे, नीम को, हल्दी को, टर्मरिक, हल्दी है ना, टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, नीम हो गया है ना। तो इस पे भी बाहर के लोगों ने, यूएस वालों ने पेटेंट लेने का ट्राई किया है, बट ये सब पेटेंटेड चीज़ें नहीं है क्योंकि हमारी क्या है, इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, है ना, ये क्या है, इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन है। ठीक है, तो इस पे कोई भी पेटेंट नहीं ले सकता। तो किसी भी कंट्री की कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ होती है उस पे कोई भी पेटेंट नहीं ले सकता, याद रखना। सभी को क्लियर हो गया? बताओ, अब देखो इस पे बहुत क्वेश्चन आता है बायोपेरेसी पे। ठीक है, बायोपेरेसी क्या होता है? बायोपेरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल। मान लो मैंने कोई चीज़ बनाई और मैंने उस पे पेटेंट लिया हुआ है। पेटेंट लेने का क्या मतलब है कि मेरी इजाज़त, मेरी परमिशन के बिना मेरी वो चीज़ कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, है ना, यूज़ नहीं कर सकता, है ना, पेटेंट का मतलब ये होता है। बायोपेरेसी क्या होता है? मेरी परमिशन के बिना अगर किसी ने वो चीज़ मेरी यूज़ कर ली है ना, उसको सेल कर रहे हैं, मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना और उसको सेल कर रहे हैं मेरी परमिशन के बिना, तो क्या होता है? बायोपेरेसी, चोरी करना बेसिकली। पेरेसी का क्या मतलब होता है? चोरी करना, है ना। ठीक है, तो ये बायोपेरेसी होता है। पेटेंट मैंने अपनी चीज़ पे लिया हुआ है, मेरी परमिशन के बिना वो चीज़ कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, कोई करता है मतलब बायोपेरेसी उसने कर दी है। ठीक है, ये वाला रहने तो, इसमें कुछ है नहीं खास। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट। इंडियन पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली सेकंड अमेंडमेंट को क्लियर किया है इंडियन पेटेंट बिल का, जिसमें इन इश्यूज़ को लिया गया है। ठीक है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, एमरजेंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, सेकेंड अमेंडमेंट हमारा क्लियर हो चुका है इंडियन पेटेंट बिल का, रिसेंटली ही हुआ है। सभी को क्लियर हो गया? बताओ। अब मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, चैप्टर डन। देखो टाइम टेबल, अब टाइम टेबल बना के कुछ भी नहीं होगा ईशा, बिकॉज अब जितना टाइम है ना उतना ही देना है आपको। अब आप टाइम टेबल नहीं बना सकते, है ना, अब टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दिन में क्या ही टाइम टेबल बनाओगे, अब तो आपको 12-13 घंटे पढ़ना है, है ना, खाना खाया पढ़ने बैठ गए, है ना, थोड़ी वॉक करी पढ़ने, वॉक करी पढ़ने बैठ गए, डिनर किया पढ़ने बैठ गए। हाँ देखो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी प्रखार ने, देखो मैं बता रही हूँ आपका 95% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तभी मैं आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज अभी लेके आई हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ। पढ़ाने को मैं बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकती हूँ, बायोटेक में भी कितना कुछ एक्स्ट्रा है, भी फ्लेवर सेवर टमाटो मैंने नहीं बताया आपको, गोल्डन राइस भी मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है ना, बहुत कुछ था इसमें भी एक्स्ट्रा, बट वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारा फोकस एनसीईआरटी है, आपको एनसीईआरटी ही करनी है बायोलॉजी में, तो मुझे तो बायोलॉजी का पता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको बायोलॉजी के लिए ही गाइड कर सकती हूँ, और अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। हम दो दो दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं, है ना, आज तो हमने एक ही दिन में एक चैप्टर कर लिया।
अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, आपको जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो कंटिन्यू रखना है या सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, बताओ। एक चीज़ मुझे बता दो, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे यूट्यूब पे कि मैम सिर्फ एनसीईआरटी हाईलाइट्स करवा दो, अभी टाइम कम है, क्वेश्चंस हम खुद कर लेंगे, पीवाईक्यूज हम खुद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 30 डेज में रेडी हो ना तो डेली क्लास लगाओ, अपना बैकलॉग कंप्लीट करो, जो मैं करवा चुकी हूँ वो मैं दोबारा नहीं कराऊंगी ईशा, है ना। ऐसे तो बच्चे आते रहेंगे, मैं दोबारा नहीं करवा सकती। जो आपका बैकलॉग है उसको अलग से टाइम निकालो, रात को उसको कंप्लीट करो, मेरी क्लासेस देखो, और जो भी हम डेली पढ़ते हैं दिन में 1.5 से 2 घंटा क्लास होती है, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। एमसीक्यू भी करा देंगे साथ में, ठीक है। कल हम फुल बायोटेक के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी करा दो, ठीक है। तो कल हम फुल बायोटेक के करेंगे, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सभी कह रहे हैं एमसीक्यू भी, ठीक है। तो हमने बायोटेक का पहला चैप्टर कर लिया, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, आज हमारा सेकंड भी हो चुका है, एप्लीकेशंस, दोनों देख के आना, कल दोनों के एक साथ क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज दोनों के एक साथ होंगे कल। तो कल लंबा सेशन चलेगा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, क्योंकि बायोटेक से दोनों को मिला के अगर मैं बात करूँ, हम प्रीवियस 10 से 12 ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अप्रोक्स आपके 120 तक क्वेश्चन बनते हैं दोनों चैप्टर्स को मिला के। तो हम अप्रोक्स कल 1 से 1.5 घंटा क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी अपना फोकस एनसीईआरटी रखो सभी, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, चाहे आपको कोई भी मॉड्यूल्स दे, है ना, कोई भी अपने नोट्स दे, कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी। ये सारे हाइलाइट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेजती हूँ डेली, ठीक है। तो अगर किसी का कोई पोर्शन अंडरलाइन करना रह जाता है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी देख सकते हो, ये सारे हाइलाइट्स मैं आपको भेज दूँगी, और भी चैप्टर के भेजे हुए हैं आप देख सकते हो ईशा, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो इस दोनों चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग देख के आना, कल मिलते हैं विद द पीवाईक्यूज, ओके। चलो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक नहीं करते हो, सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। एनटीए का पेपर मैं सोल्व करवाऊंगी जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे हर्ष, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं बिफोर एग्ज़ाम, जैसे कि अभी हम 2023 के क्वेश्चंस नहीं करते हैं पीवाईक्यूज़ के, तो वो मैं अलग से सेशन में कराऊंगी, वो मैं तब कराऊंगी जब हमारे ऑलमोस्ट हमारा मान लो 80 to 90% सिलेबस हो जाएगा, तब कराऊंगी, क्योंकि उससे मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, ठीक है। तो जो सैम्पल पेपर्स होंगे वो सब हम एग्ज़ाम से अप्रोक्स 1 हफ्ता पहले सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, अभी हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। देखो एक शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है मुझे भी, है ना, ऐसे कभी कुछ ऐसे नहीं करवा सकती मैं, अभी हम एनसीईआरटी हाईलाइट्स कर रहे हैं, वही करेंगे। एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं आपको पीवाईक्यूज़ भी करवाऊंगी, एनटीए के जो भी सैम्पल पेपर्स होंगे वो भी करवाऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ करवाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी किया करो, ताकि ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें, ज़्यादा बच्चे होंगे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बच्चों को सेशन अच्छा लग रहा है। तो कमेंट्स करके जाना कि सेशन कैसा लगा, मुझे बता के जाना, और कल मिलते हैं विद द पीवाईक्यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फुल बायोटेक दोनों चैप्टर्स, ओके। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। प्लांट फिजियो जब बोलोगे करा दूंगी, इसके बाद तो पहले हम एनाटॉमी एंड मॉर्फो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं प्लांट फिजियो करा दूंगी, ओके सूरज। बायोटेक के बाद परसों से हम पहले एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसके बाद मैं प्लांट फिजियो करा दूंगी, ओके। तीन ही चैप्टर अब तो प्लांट फिजियो में है ना, 2 चैप्टर्स को तो आपके हट ही चुके हैं, 2 हटे थे या 1 हटा था, एक तो ट्रांसपोर्ट वाला कट चुका है पूरा, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है। एनसीईआरटी हाईलाइट्स हमारी चल रही है अप्रोक्स 10 डेज से, 10-15 दिन हो चुके हैं। देखो ऐसे मैं 11th 12th को अलग से नहीं करवा रही हूँ हर्ष, जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो करवा रही हूँ, जैसे जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी मैं करवा चुकी हूँ, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैं करवा चुकी हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कि कितने कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैं करवा रही हूँ, क्योंकि नीट में तो सब कुछ आएगा, वहाँ पे 11th 12th में सेग्रीगेशन नहीं होता ना, नीट में तो सब कुछ आता है, तो 11th 12th का हिसाब लेके मत चलो, फुल सिलेबस लेके चलो 11th+12th। हाँ एनसीईआरटी, हाँ वो पूरा जो प्लेलिस्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स का उसमें देख लो, मैंने टैग भी किया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको सब कुछ मिल जाएगा ईशा, हाँ दिया हुआ है, बनाया हुआ है ईशा,
एक अलग से हाईलाइट्स बनाया हुआ है एनसीईआरटी हाईलाइट्स के नाम से, जहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी ही डली हुई है। देखिए जाके एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एनसीईआरटी हाईलाइट्स के नाम से सब कुछ बनाया हुआ है। सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट के हिसाब से किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार प्लेलिस्ट जाके खोलिएगा, ओके, एनसीईआरटी हाईलाइट्स के नाम से मिल जाएगा आप। एक्सप्लोर कीजिए चैनल को थोड़ा सा, कुछ मैंने वहाँ पे 10 मिनट्स वाले भी सेशन डाले हुए हैं, देखिए, जिसमें आप एक टॉपिक को 10 मिनट में समझ सकते हो, वो भी डाले हुए हैं। और अभी मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी प्लान कर रही हूँ, जिसके अंदर हम 60 सेकंड में एक टॉपिक करेंगे, 60 सेकंड में अभी मैं वो प्लान कर रही हूँ। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच पीवाईक्यूज़ के साथ।